हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में हालात बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के अभियान का तो अभी टेक ऑफ हुआ है, लेकिन हमारा अभियान पिछले 1.5 महीने से शुरू है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी जनता तक अपनी नीतियों पहुँचाने में कामयाब हुई है। एकदम बहुत बढ़िया हालत है, क्योंकि हम कांग्रेस से कहीं आगे है। कांग्रेस का अभियान तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमने तो 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से अपने अभियान को बराबर इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाना, उन्होंने एक राउंड पूरा कर लिया है, दूसरे राउंड के लिए अब शुरू हो जाएंगे। तो जो पार्टी इतने नीचे लेवल तक अपने जनता को और खास करके जनता पार्टी की जो उपलब्धियाँ हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं, वो जनता तक पहुँचाने में कामयाब हुई है। आने वाले 7 दिन के अंदर और इसको मजबूती से करेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा जहाँ हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, करनाल विधानसभा, वो भी हम जीतेंगे। तो आने वाला 4 जून जो होगा, उस दिन सभी 11 कमल के फूल खिला करके जो मोदी जी की झोली में डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो NDA के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, NDA 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और बिहार में भी हम सभी 40 सीटें जीतेंगे। यह दुखद खबर है, एक तरह से मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है और पूरे सोसाइटी, पूरे देश, राज्य की क्षति है उनके जाने से। NDA 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में NDA में थे, जितना वोट से जीते थे उसे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस समय भारत में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन पत्र भरा है। हमारा तीसरा कार्यकाल आने वाला है। आने वाले 2-3 साल में हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर आ जाएगी और हमारे विकास के आंकड़े 2024 में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस समय 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वी आर ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज अ फेस्टिवल। जो आज उत्साह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है और तीसरी जो हमारी टर्म आने वाली है, 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। ग्लोबली वी हैव मूव्ड फ्रॉम द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आने वाले 2-3 साल में हम अर्थव्यवस्था हमारी जो होगी विश्वभर में तीसरे स्थान पर आएगी और हमारे जो विकास के आंकड़े हैं 2014 और 24 में आपने देखे, वो और तेजी गति शक्ति से आगे बढ़ेंगे।